सब्सक्राइब करिएगा श्वेता दीदी कुकिंग चैनल को और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज हम बनाएंगे राजमा मसाला। राजमा मसाला बनाने के लिए हमने लिया है राजमा, जिसे हमने रात भर भिगो लिया था। इसका नाप मैं मुट्ठी से करती हूँ। जितने लोगों के लिए राजमा बन रहा है उतने मिट्टी राजमा लेती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उस पानी को डिस्कार्ड कर देंगे और राजमा को एक कुकर में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी उबालने के लिए। तो पानी का लेवल राजमा से करीबन 2 इंच ऊपर होना चाहिए। इंच का हिसाब आप उंगलियों की लाइन से लगा सकते हैं। एक लाइन लगभग 1 इंच की दूरी पे होती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। कुकर का ढक्कन करेंगे बंद और इसको उबालने के लिए रख देंगे। अब हम इसको सबसे पहले हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगा देंगे। फिर हम फ्लेम को लो या मीडियम पे कर देंगे और इसको 20 मिनट तक लो या मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। ट्रेडिशनल इंडियन डिशेस का मज़ा तो स्लो कुकिंग प्रोसेस से ही आता है, मगर अगर आपको जल्दी हो तो आप इसको हाई फ्लेम पे 10 से 12 सीटी दे सकते हैं। लीजिए 1 सीटी आ गई है। तो अब हम फ्लेम को घटा के लो पे कर देंगे। जब तक राजमा पक के तैयार हो रहे हैं, चलिए मसाला भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम 2 बड़े प्याज लेंगे, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। अब हम इन सभी चीज़ों को एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इन्हें ग्राइंड करने के लिए मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डाल रही हूँ, मगर अगर आपके ग्राइंडर में पानी की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं। ये हमारा प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट बनके तैयार है। तो चलिए इसे भूनना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और फ्लेम को हाई पे ऑन कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़ी इलायची। इलायची को तेल में डालने से पहले हम इसको थोड़ा सा खोल देंगे ताकि इलायची का सारा फ्लेवर ऑयल में आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटी इलायची थोड़ी सी खुलनी शुरू हो गई है, फूलनी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये फ्राई हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 लौंग। लौंग डालने के बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी गर्म तेल में लौंग जाने से लौंग उछल के बाहर आ जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा। जब सभी खड़े मसाले फ्राई हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा क्योंकि पतला होता है तो जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए हम इसे बाद में डालते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज अदरक और लहसुन का पेस्ट और मिक्स कर देंगे। चलिए जब तक प्याज भून के तैयार हो रहा है तब तक टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने 3 से 4 बड़े टमाटर लिए हैं और 2 हरी मिर्चें ली हैं। अब हम टमाटर और हरी मिर्चों को उसी ग्राइंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा टमाटर का पेस्ट बनके तैयार हो गया है और इधर हमारा प्याज भी भुन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है और तेल बिल्कुल अलग हो गया है प्याज से। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम एक कटोरी में डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, करीबन 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे करीबन 2 टेबलस्पून पानी और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। सूखे मसालों को पानी में मिक्स करके फुला के जब हम इनको फ्राई करते हैं तो हमारे राजमा में फ्लेवर और कलर दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। हमारा प्याज टमाटर का पेस्ट अच्छे से भुन गया है, तेल अलग हो गया है और इधर हमारे सूखे मसालों को भी भीगे हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इनको करेंगे हल्का सा मिक्स और फिर हम इसे डाल देंगे कढ़ाई में। इस तरीके से जब आप सूखे मसालों को अपनी सब्जी में डालेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी सब्जी का कलर और फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। थोड़ा सा पानी और ले लेंगे कटोरी में और जो मसाला कटोरी में चिपका रह गया था उसे हम वापस से डाल देंगे। अब हम इस मसाले को फिर से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे भूनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमने इसको भिगो लिया था। और ये है हमारे मसाले का फाइनल लुक। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले ने तेल छोड़ दिया है, ये कढ़ाई से अलग हो गया है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे।
इधर हमारे राजमा भी उबल के तैयार हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परफेक्टली बॉयल हो चुके हैं। राजमा को 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाने के बाद हमने फ्लेम को बंद कर दिया था और कुकर को अपने आप ठंडा होने दिया था। अब हम इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ मसाला। आप चाहें तो राजमा को कढ़ाई में डाल के भी पका सकते हैं। मसाले को करेंगे हम इसमें अच्छे से मिक्स और फिर हम इसमें डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से पानी। आपको जितने गाढ़े राजमा पसंद हो उससे थोड़ा ज़्यादा पानी डालिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद राजमा फिर से गाढ़ा हो जाता है। मिक्स कर देंगे पानी को अच्छे से। अब हम इसको हाई फ्लेम पे एक बार उबाल दे देंगे और फिर हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे फिर से पकाएंगे। 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाने के बाद हम इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे और मिक्स कर देंगे और हमारे राजमा तैयार हो जाएंगे। सर्व करिएगा इनको जीरा राइस के साथ। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी थिकनेस, ये देखिए कितने गाढ़े हो गए हैं। गार्निश करेंगे इसको प्याज के छल्ले और धनिया पत्ती के साथ। एंजॉय।